यूपी के मैनपुरी जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला देखने को मीला। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह नकला इमरिया थाना कुरावली के रहने वाले हैं। इनके मुताबिक विनोद शर्मा जो कि जिला उपाध्यक्ष भाजपा हैं, ने पर्यटन विभाग में इनके और छोटे भाई दोनों को गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग की। बेरोजगारी का दंश झेल रहे पीड़ितों ने इसके एवज में 2.5 लाख रुपए आरोपी को दे दिए। वही आरोप है कि आरोपी ने पर्यटन मंत्री से बात होने और जल्द नौकरी मिलने का वादा किया और बचे हुए 50,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद जेवर गिरवी रख कर रुपए लेकर पीड़ित घर पहुंचा और बचे हुए पैसे भी दे दिए। इसके एवज में कई बार नौकरी का आश्वासन पीड़ित को दिया गया और टाल मटोल शुरू हो गया। इसके बाद और ठगी के इरादे से बताया गया कि मंत्री जी ने 1 लाख रुपए की और मांग की है, जिस पर पीड़ित ने और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा पीड़ित को ही आरोपी धमकाने लगे, जिस पर मजबूर होकर पीड़ित ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कर दिया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसने लिए, कौन है? विनोद शर्मा। कौन है ये? विनोद शर्मा उपाध्यक्ष। किस चीज के उपाध्यक्ष, किसमें उपाध्यक्ष, किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी। क्या कहा था आपसे, रुपए लिए थे? जब कहा था कि तुम्हारे दो भाइयों को नौकरी लगवा दे। फिर क्या हुआ? आप जब रुपए मांगने गए तो कह रहा है चार्ज फिनिशिंग बंद करा देंगे। कितने रुपए दिए थे आपने? 3 लाख रुपए पूरे दे दिए। कितना समय हो गया रुपए दिए हुए? रुपए दिए थे, एक तो दिए थे 6-7 को 2022 में और एक दिए थे 8 महीने बाद। अच्छा, नौकरी भी नहीं लगी? नौकरी भी नहीं लगी और पैसे भी नहीं दिए। कुछ वापस किए पैसे? कुछ वापस नहीं। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारा पैसा वापस हो जाए। मैनपुरी से जनमत न्यूज के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट।